अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सादिया अली है। विक्टोरियन स्टेट इलेक्शन नवंबर में हो रहा है। ज़रूरी है कि आप अपने बैलेट पेपर्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। वोटिंग सेंटर में दो बैलेट पेपर्स मिलेंगे। छोटा बैलेट पेपर लोअर हाउस के लिए है, बड़ा बैलेट पेपर अपर हाउस के लिए है। पहले लोअर हाउस की बात करते हैं। वोट देते हुए ऐदाद या नंबर इस्तेमाल करिए। अपनी तरजीह की तरतीब से तमाम खानों में एक नंबर लिखिए। आप जिस उम्मीदवार को पहले नंबर पर जितवाना चाहते हो इसके बराबर नंबर एक लिखिए। दूसरे नंबर पर अपनी तरजीह के उम्मीदवार के बराबर नंबर दो लिखिए। तीसरे नंबर के उम्मीदवार के बराबर नंबर तीन लिखिए और इसी तरह चलते जाइए। आपको हर खाने में एक नंबर लिखना होगा। अपर हाउस को वोट देने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, लकीर के ऊपर। आप उस पार्टी या ग्रुप के बराबर बने खाने में नंबर एक लिखेंगे जिसे आप पहले नंबर पर जितवाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी चुनी हुई पार्टी या ग्रुप फैसला करेगा कि आपका वोट किस उम्मीदवार को मिलेगा। इसके बाद आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। या तरीका नंबर दो, अगर आप उम्मीदवारों का इंतखाब पार्टी या ग्रुप पर छोड़ने के बजाय खुद उम्मीदवार चुनना चाहते हो तो लकीर के नीचे वोट दें। आपको अपने तरजीह के तरतीब से कम 5 खानों में नंबर लिखने होंगे। आप जिस उम्मीदवार को पहले नंबर पर जितवाना चाहते हो इसके बराबर नंबर एक लिखिए। दूसरे नंबर पर अपनी तरजीह के उम्मीदवार के बराबर नंबर दो लिखिए। तीसरे नंबर के उम्मीदवार के बराबर नंबर तीन लिखिए। चौथे नंबर के उम्मीदवार के बराबर नंबर चार लिखिए। पांचवें नंबर के उम्मीदवार के बराबर नंबर पाँच लिखिए। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद कुछ खानों में नंबर लिखना जारी रख सकते हैं या फिर आप तमाम खानों में नंबर लिख सकते हैं। जब आप अपने दोनों बैलेट पेपर्स मुकम्मल करें तो आपको हर बैलेट पेपर मुतालका बैलेट बॉक्स में डालना होगा। अगर उस रोज़ आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद के लिए किसी रिश्तेदार या दोस्त को ला सकते हैं। आप विक्टोरियन इलेक्शन कमीशन के आमले के रुकन से भी पूछ सकते हैं। अगर वोट देने के बारे में आपका कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी 9209012 पर इंटरप्रेटर सर्विस को कॉल करें या हमारे वेबसाइट vec.wig.gov.au पर देखिए और इंटरप्रेटर का लोगो चुनिए।